नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आपका और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं फिलहाल अभी वेलुंदूर में हूँ और मैं अभी ड्राइव में अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि लिथियम में मैं अभी कुछ टाइम से नहीं जा रहा हूँ। वन वीक हो गए लिथियम में नहीं जा रहा हूँ। 16 आवर्स का मुझे ड्यूटी दिया था, तो उसी कारण मैं, और बीच में मेरा तबीयत खराब हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तो इसी कारण मैंने लिथियम का जो गाड़ी था वो मैं, मतलब मेरे को दे दिया था परमानेंटली चलाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैंने उसको जमा कर दिया है, और जमा करके मैंने बोला है 4-5 दिन के लिए मुझे छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका तबीयत ठीक होने के बाद आप फिर से ज्वाइन कर लेना। तो मैं अभी 4-5 दिन से, एक्चुअली मेरा 2 दिन में ही तबीयत ठीक हो गया था, तो उसके बाद मैं ड्राइविंग में ही करने लगा काम, और अभी फ़िलहाल मैं ड्राइविंग में ही काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा जा रहा है ड्राइविंग में। डेली हो जाता है 1000 जैसा कुछ काम हो जाता है। तो ड्राइविंग में मैं अभी मतलब फुल टाइम के लिए कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, बाद में देखते क्या करते हैं। तो आज 5 तारीख है, तो बस अभी सुबह सुबह मैं सुबह क्या है, ये 12:15 के 15 मिनट में मेरा ये ट्रिप था। तो अभी फ़िलहाल 2 बज रहे हैं और 6 बजे ख़त्म होगा एक्चुअली ये ट्रिप। तो 6 आवर्स का था, तो 6 आवर्स में आपको ड्राइविंग में देते हैं 520, ठीक है। तो 6 आवर्स का ड्यूटी है, कब ख़त्म होता है देखते हैं। 6 आवर्स के बाद मुझे होंडा शोरूम ने बोला है कि 6:30 को आने के लिए, तो वहाँ से बाइक परचेस करेंगे। आज बाइक डिलीवर करेंगे होंडा शोरूम से, तो वो बाइक लेने भी जाना है। क्या होता है क्या नहीं होता है आपको अपडेट करते रहेंगे, तो बने रहना, क्योंकि मुझे बाइक का काफ़ी नीड है। क्योंकि ये ड्राइविंग में अगर जाता हूँ तो काफ़ी वॉकिंग करना पड़ता है काफ़ी दूर दूर तक, तो उसी कारण। और अगर मैं 12 घंटे का ड्यूटी भी लेता हूँ तो अभी भी मुझे बाइक का ज़रूरी, मतलब ज़रूरत है। तो 12 घंटे का मैं सोच रहा हूँ अभी ये लिथियम में, मैं 12 घंटे के जॉब के लिए सोच रहा हूँ। तो बातचीत चल रहा है, देखते हैं कब तक मुझे 12 घंटे का ड्यूटी देते। जब तक वो लोग 12 घंटे का ड्यूटी नहीं देते मैं ड्राइविंग में कंटिन्यू करूँगा, तो उसी कारण मैं बाइक ले रहा हूँ। और बाइक लेने से थोड़ा ईजिली हो जाएगा ना जाना आना, तो उसी कारण मैं बाइक ले रहा हूँ। नहीं तो काफ़ी वॉकिंग करना पड़ता है और काफ़ी दिक्कत होता है, और टाइम भी सेव हो जाएगा, तो उसी कारण मैं बाइक ले रहा हूँ। तो बने रहना, आज शोरूम में जाएंगे और बाइक डिलीवर वो लोग करेंगे और बाइक लेके आएंगे। तो चलो, अभी फ़िलहाल मैं विलंदर में हूँ और ये देखो यहाँ पे पार्किंग में बैठा हुआ हूँ। बस वो लोग गए हैं, अंकल आंटी थे, वो लोग डेंटल ये क्लिनिक गए हैं, तो दांत का कुछ प्रॉब्लम होगा शायद, तो वो दांत मतलब कुछ होगा तो दिखाने गए, तो वो लोग आने के बाद यहाँ से कहाँ जाते देखते हैं। तो बने रहना, जो भी होता है आज मैं आपको दिखाते रहूँगा। तो हाँ, अभी फ़िलहाल मैं आराम कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं मारथली आया हूँ अंकल आंटी को लेके दूसरे लोकेशन पे, और शायद यहाँ से बाद में हम लोग चले जाएंगे। ये वाला लोकेशन कुछ इस तरह से, और अंकल आंटी ये सामने ही गए हैं एक शॉप पे, तो कब तक आते हैं देखते हैं। मैं अभी फ़िलहाल गाड़ी पे बैठा हूँ, और ये जो आज मैं गाड़ी चला रहा हूँ ये टोयोटा का ये ETS है। तो ETS गाड़ी काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, और मस्त है चलाने में भी मस्त है, और इसका पिकअप बहुत ज़्यादा है। तो बस अभी बैठा हूँ, कब तक आते देखते। और तो फाइनली मैं ड्राइव से आ चुका हूँ, और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ शोरूम बाइक लाने। तो बस अभी रेडी भी हो गया, डाल दिया है, खाना भी खा लिया। तो चलिए, तो आते आते काफ़ी अंधेरा हो चुका है, और हम लोग अभी जा रहे हैं शोरूम, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, अपडेट करते रहेंगे आपको। तो ये रहा शोरूम, होंडा शोरूम हुडी के सामने ही पड़ता है, हुडी रोड के सामने पड़ता है। तो चलो अभी चलते हैं। हम लोग आ चुके हैं शोरूम के बाहर ही खड़े हैं, अभी चलते हैं अंदर और बाइक लेते हैं। तो फाइनली हम लोग शोरूम के अंदर बैठे हुए हैं, और बाइक कुछ ही देर में डिलीवर कर देंगे। तो बस मैं और मेरे रूममेट्स बैठे हुए हैं, तो देखते हैं कब तक डिलीवरी देते हैं और आपको भी दिखाएंगे। अच्छा, ये वाला बाइक जो है ये इसी को मैंने ऑर्डर किया था,
तो SP125। तो इसी को, ये कलर तो डिफरेंट है, मेरा ग्रीन कलर है तो ये तो रेड है, तो कुछ इस तरह से दिखता है। चलो लेकिन जब डिलीवरी देंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे फोटो सेशन होगा। और भी वो बोल के गए हैं कि 5 मिनट्स में ये गाड़ी दे देंगे, तो बस बैठे वेट कर रहे हैं, वेट करना ही पड़ेगा 5 मिनट्स तक। चलो फाइनली हमारा बाइक आ चुका है, ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी डेकोरेट करेंगे, फूल वूल लगाएंगे, उसके बाद हम उसको हैंड ओवर करेंगे। तो बैठे हैं वेट कर रहे हैं। ये वाला बाइक आ चुका है और उठ चुका है ऊपर, तो कुछ इस तरह से दिखता है गाड़ी। अभी फ़ोटो खींचेंगे, उसके बाद रूम पे जाएंगे। तो चलो कैसा है कमेंट में ज़रूर बोलना। और मेरे साथ अभी दो भाई हैं, तो चलो यहाँ से चलते हैं अभी डिलीवरी लेके। फाइनली हम मैं रूम पे आ चुका हूँ और बाइक डिलीवर हो गया है और घर पे लेके आ गए हम लोग। तो बस आज के ब्लॉग लिए बस इतने, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं आपके साथ और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय भारत। तो फाइनली पूजा करके आ गया हूँ सुबह सुबह, और अभी मेरे रूममेट को लेने आया हूँ।